साथियों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं लेट से आया हूँ, लेकिन यहाँ आने पे पता चला ज़्यादा लेट नहीं था। नाटक का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मैंने देखा है। आप सबका क्रांतिकारी इस्तकबाल, आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूँ, और हमारे नाटक करने वाले साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने नाटक किया है। दिक्कत यह है कि समाज का सच है। दोस्तों, जो विषय मुझे बताया गया कि आज साहित्य, समाज और सत्ता पर बातचीत करनी है, पहली बात तो यह है कि मैं साहित्यकार नहीं हूँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहाँ आप लोग बैठे हैं, और मैं बहुत सारे लोगों से मिला जो पंजाबी लिटरेचर के बहुत बड़े नाम हैं। और वैसे भी कहते हैं सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी, अवतार सिंह पास को पढ़ पढ़ के हम लोग साहित्य को जाने हैं, प्रोग्रेसिव लिटरेचर को समझे हैं, उनकी धरती पे आकर के उनके लोगों को साहित्य समझाना ये थोड़ी बुरी बात है। तो साहित्य की बहुत समझ नहीं है मेरे पास, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा है, क्योंकि हमारे सामने एक संकट है कि हम लक्ष्य को अपना भूल जाते हैं और माध्यम को अपना लक्ष्य समझ लेते हैं। तो मैं भी UPSC की तैयारी किया करता था, और मेरा एक ऑप्शनल पेपर हिंदी लिटरेचर था, तो उस दौरान हमने लिटरेचर पढ़ा है। और इसके साथ साथ जब हमारे साथी नाटक कर रहे थे तो मुझे अपने दिनों की याद आ रही थी, हालांकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं हुई है अगर RSS के दुष्प्रचार को छोड़ दें तो। लेकिन जब मैं स्कूल में था तो मैं इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से जुड़ा हुआ था और इस तरह से नाटक किया करता था, तो उस दौरान भी हमने बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा है, और हम लोगों को ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती है। हमारी जुबान जो है, हम अड़ा और रौ में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। घोड़ा और सड़क हमारे लिए बराबर होता है। तो एक बड़े अच्छे डायरेक्टर हमारे हुआ करते थे, तनवीर अख्तर साहब, वो सिखाते थे कि जब आप नाटक करते हैं तो आपकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए, और आप कोई भी बात इस तरीके से कहें कि सामने वाला समझ भी जाए और उसको बुरा भी ना लगे। तो साहित्य से जुड़ाव जो है वो रंगमंच के माध्यम से भी रहा है, लेकिन इतनी समझ नहीं है कि मैं साहित्य पे कोई विमर्श खड़ा कर सकूं। लेकिन साहित्य का समाज का और सत्ता का क्या संबंध है, उसको मैं थोड़ा बहुत समझता हूं। बस आपसे उन्हीं मुद्दों से कुछ बातें करना चाहता हूं। साहित्य के बारे में हम लोगों को ये पढ़ाया जाता था कि साहित्य समाज का दर्पण है। मेरा थोड़ा इससे मत भिन्न है। साहित्य समाज का दर्पण होगा, मैं समझता हूं कि साहित्य समाज का चेहरा है। जिस तरीके का साहित्य है उससे पता चलेगा कि साहित्य जिसमें जो विमर्श उठाया गया है वास्तविक रूप से समाज में उसकी क्या स्थिति है। और आज यदि हम साहित्य को देखें, साहित्यकारों की भूमिका को देखें, तो बिल्कुल एक बात समझ में आती है कि यह एक पूंजीवादी समाज है। इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये साहित्य और साहित्यकार की भूमिका से ही समझ में आती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मुख्य धारा का जो साहित्य होता है उसके अलावे कोई सबअल्टर्न डिस्कोर्स नहीं होता है। एक सबअल्टर्न डिस्कोर्स भी होता है जिसको लिपिबद्ध नहीं किया गया हो, हालांकि आजकल लिपिबद्ध होने लगा है, जिसमें साहित्य बिल्कुल पूरी तरीके से यथार्थ के दर्शन पर टिका होता है। और इसीलिए जब आप, मैं मुख्य तौर पर हिंदी साहित्य की बात कर रहा हूं, कि दलित विमर्श को आप देख लीजिए, आदिवासी विमर्श को देख लीजिए, महिलाओं के स्त्री विमर्श को आप देख लीजिए, तो उसमें आपको सीधा सीधा समाज का यथार्थ दिखाई देगा, लेकिन वो समाज की मुख्य धारा का डिस्कोर्स नहीं है। समाज की मुख्य धारा का डिस्कोर्स क्या है, जहां से मैंने अपनी बात शुरू की थी, मैंने हिंदी लिटरेचर UPSC के ऑप्शनल में इसलिए नहीं लिया कि मुझे प्रेमचंद से बहुत प्रेम था, मैंने इसलिए लिया कि हिंदी लिटरेचर में नंबर बहुत अच्छा आता है, नंबर बहुत अच्छा आएगा तो UPSC बहुत आसानी से कम्पीट कर लेंगे और IAS बन जाएंगे। ये समाज के लोगों का साहित्य के साथ वास्तविक संबंध है। और साहित्यकार भी कैसे कैसे हैं आज के, साहित्यकार ऐसे हैं कि हाफ गर्लफ्रेंड लिखते हैं,
हाफ गर्लफ्रेंड लिखते हैं, किसी दिन जो है 75% बॉयफ्रेंड लिखेंगे, किसी दिन जो है 95% मदर लिखेंगे, 99% फादर लिखेंगे, और वो साहित्य पॉपुलर साहित्य है। आप अगर आप इस बात का विश्लेषण करें तो चंडीगढ़ की सड़कों पे बहुत सारे ऐसे लड़के आपको मिलेंगे जो चे गुएरा का टी शर्ट पहन करके घूम रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि चे गुएरा कौन है। मैं तो कई बार इस बात से चिंतित हो जाता हूँ कि आने वाली पीढ़ी शायद भगत सिंह को ना भूल जाए, करतार सिंह सराभा को ना भूल जाए, खुदीराम बोस को ना भूल जाए, और हमारा जो इतिहास है और उस इतिहास में साहित्य और साहित्यकार की जो भूमिका है, कहीं उस पर नोट की गद्दियों की धूल ना जम जाए, ये सवाल आज हमारे सामने है। आज आप मुझे बताइए कि बाबा नागार्जुन जैसे कभी आपको कहां दिखाई देते हैं, और आलोचना कर साहित्य की आलोचना की जो परंपरा है उसको भी वामपंथी लेफ्टिस्ट ये सब बोल करके उस आलोचनात्मक परंपरा को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और सारा कुछ जो किया जा रहा है वो इसलिए है कि किसी तरह से हमको ज्ञानपीठ मिल जाए, और ज्ञानपीठ मिलने तक ही मामला रुकता नहीं है, ज्ञानपीठ मिलने के बाद भी सरकार के सामने बैठना या झुकना नहीं है, बिल्कुल उनके चरणों में लेट जाना है ताकि ज्ञानपीठ मिलने के बाद हमको गवर्नर बना दिया जाए। अब सवाल ये है कि साहित्य जो समाज का चेहरा होता है और साहित्य की जो अभी हमको स्थिति दिखाई देती है, जहां मैं खुद अपनी बात कह रहा हूं कि यूपीएससी करना एक माध्यम हो सकता है आपके जीवन में, कि आप यूपीएससी के माध्यम से सेलेक्ट होकर के आईएएस बनना चाहते हैं और एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे आप समाज की सेवा करना चाहते हैं, ये लक्ष्य है। मनुष्य यदि सामाजिक प्राणी है तो वो अपने अल्टीमेट कंक्लूजन में सोशल एक्टिविस्ट होगा, सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन आप देखिए कि वो कभी भी अपने इंडिविजुअलिटी से ऊपर ही नहीं उठ पाता है। एक बार मैं एक बहस देख रहा था, भाजपा के एक स्पोक्स पर्सन थे, बार बार हिंदू मुसलमान कर रहे थे, इत्तेफाक से वो डॉक्टर थे, मेरे बगल में ही एक मोदी जी के प्रिय समर्थक थे, मैं उनको भक्त नहीं कहता हूँ, भक्त तो लोग भगवान के होते हैं ना, शैतान का कोई भक्त होता है। वो जो है वो उसको हमने कहा कि बात बताओ, ये इतना हिंदू मुसलमान कह रहे हैं, ये तो पेशे से डॉक्टर हैं, तो सोसाइटी में इनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा कि ये मरीजों का इलाज करेंगे, डॉक्टर होना उसका एक माध्यम है, ट्रेनिंग होना उसका एक माध्यम है कि आपने मेडिकल साइंस की पढ़ाई की है, आप लोगों का इलाज करेंगे। तो क्या दो व्यक्ति को, एक हिंदू को बुखार हुआ है और एक मुस्लिम को बुखार हुआ है, तो दोनों को अलग अलग दवाई देंगे कि दोनों के लिए पैरासिटामोल ही दिया जाएगा? ये जो ऑब्जेक्टिविटी है, उस ऑब्जेक्टिविटी को और इस मानवीय संवेदना को जो मजबूती से पकड़ करके रखता है समाज में, वो है साहित्य। और वो साहित्य जो लोगों की संवेदना को बार बार जगाता है, वो जब कमजोर पड़ता है और सत्ता द्वारा समर्थित एक, जैसे टीवी पे आजकल चल रहा है गोदी मीडिया, उसी तरीके से गोदी साहित्य भी होता है, तो गोदी साहित्य यदि पॉपुलर साहित्य बन जाएगा तो फिर समाज का क्या होगा, आलोचनात्मक नजरिया का क्या होगा, और आने वाली पीढ़ी को हम क्या सौंप करके जाएंगे? साहित्य की सबसे बेहतर चीज क्या होती है कि आप जिस आइडेंटिटी में पैदा हुए का हिस्सा है, इससे कम से कम 100 गुना बड़ा हिस्सा जो है इसको यूट्यूब पे सुनने वाला है। ये जो अभिव्यक्ति का माध्यम है, इसको हमको पकड़ना पड़ेगा, और जो गंभीर तौर पे साहित्य की रचना करने वाले लोग हैं, जिनका जबरदस्त सामाजिक सरोकार है, और वो समझते हैं कि समाज में संवेदनशील होना, आलोचनात्मक होना कितना जरूरी है, और उनके कलम से जब सत्ता को डर लगती है तो उनको व्यापक जनता के बीच में पहुंचना और पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं समझता हूं कि एक तो हमारे माध्यम, देखिए यूएसएसआर टूट गया, हमारे यहाँ पे बहुत पॉपुलर जो है एक मैगजीन हुआ करता था, अखबार, आजकल मैगजीन है, किसी जमाने में अखबार था, वो उसका नाम था जनशक्ति, और वो लीडिंग अखबार था बिहार का, और उसकी जो मशीनें थी वो रूस से आई थी,
और सबसे आधुनिक मशीन था। उतना बढ़िया मशीन उस समय हमारे यहाँ के बहुत बड़े महाराज थे, सर्च लाइट को पैसा मिलता था, उसके पास भी उतना बढ़िया मशीन नहीं था। तो एक्चुअली हम लोग वहाँ प्रोग्रेसिव थे। उसके बाद जो हमने उस मशीन को विकसित नहीं किया, तो दरअसल साहित्य के लेखन में तो हम प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाने में हम लोग भारी ऑर्थोडॉक्स हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि मान लीजिए कि आप किसी प्रोग्रेसिव पत्रिका में लिखते हैं तो आप अपने जीवन के सभी डायमेंशन में प्रोग्रेसिव होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। और जीवन के सभी डायमेंशन में हम प्रोग्रेसिव क्यों नहीं होते हैं, मेरी समझ है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कि हर जगह स्पेस की लड़ाई है, और ये लड़ाई जो है एकेडमिक्स और लिटरेचर के फील्ड में भी है। एकेडमिक्स और लिटरेचर के फील्ड में ये लड़ाई इसलिए है कि कोई बड़ा बटवृक्ष खड़ा हो जाता है। रामविलास शर्मा तो मर गए, बहुत बड़े हिंदी के आलोचक थे, लेकिन जो बचे हुए हैं वो किसी दूसरे को खड़ा नहीं होने देते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो जिस साहित्य की हम आलोचना कर रहे हैं इनडायरेक्टली उसी साहित्य की हम सेवा कर रहे हैं। अगर उस साहित्य की हम सेवा कर रहे हैं जो साहित्य सत्ता की सेवा कर रहे हैं, तो हम जनता और समाज का सेवा नहीं कर रहे हैं, हम बस लिखने का जतन कर रहे हैं, हम कुछ लिख नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी लिखावट लोगों की चेतना पर असर नहीं करती है तो आप कुछ रचना नहीं कर रहे हैं। आज यही बात हम लोगों को समझना होगा कि हाथी बैठ भी जाए तो कुत्ता से ऊंचा होता है ना। इतनी बुरी दुर्दशा होने के बाद भी आप याद कीजिए, मोदी जी के पास वो क्लेम करते हैं कि 56 इंच का सीना है, सिकुड़ करके 3.5 इंच का बच गया था जब इस देश के साहित्यकारों ने अपना अवार्ड वापस करना शुरू किया था। और कितना बड़ा आंदोलन वो बना, मैं जानता हूँ आप भी समझते हैं इस बात को कि बड़े तौर पे हम लोग समाज के अंदर चेतनागत स्तर पर और सत्ता को उसके सामने प्रश्न खड़ा करने के तौर पर बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। लेकिन जितना कुछ बचा है, देखिए टारगेट साहित्य और साहित्यकार ही हो रहे हैं, हत्या कलबुर्गी और गौरी लंकेश की ही हो रही है। और जब वो लोग अपना अवार्ड वापस करना शुरू करते हैं, उसे बड़े बड़े आंदोलन हुए, किसान के आंदोलन हुए, मजदूरों के आंदोलन हुए, सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगा। लेकिन जब इस देश के साहित्यकारों ने अपना अवार्ड वापस करना शुरू किया, तो इन्होंने मीडिया के ऊपर उनको ट्रोल करना शुरू किया और कहा कि ये अवार्ड वापसी गेंद है। और अखलाक का जो सवाल आया अभी गाय के ऊपर और धर्म के ऊपर जो राजनीति की जाती है, उस पर बखूबी जो है उस नाटक में दिखाया गया, उस पर सबसे मजबूत सवाल इस देश के साहित्यकारों ने उठाया। मैं समझता हूँ कि साहित्य के लिए संकट हो सकता है, जब साहित्य समाज का चेहरा है तो समाज के लिए संकट होगा तो साहित्य के लिए भी संकट होगा, साहित्य के लिए संकट हो सकता है, लेकिन साहित्य बुनियादी तौर पर अपनी भूमिका से विमुख नहीं हो सकता है। बस उसमें स्ट्रेटजिक तौर पे, रणनीतिक तौर पे जो चूक और जो कमी मैं समझ पा रहा हूँ, युवा होने का क्लेम तो मैं कर ही सकता हूँ, प्रधानमंत्री 65 वर्ष में कह रहे हैं कि हम युवा हैं तो हम तो हैं ही, तो युवा होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो जो गंभीर साहित्य का रचना हो रहा है उसके वितरण पर हम लोगों को ठोस तौर पर ध्यान देना पड़ेगा, और उसको यदि प्रचारित करना है तो प्रचारित करने के लिए कई बार भाषा कितना गंभीर है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कंटेंट कितना गंभीर है। अब देखिए देश के प्रधानमंत्री जी को या किसी को भी देख लीजिए, बार बार प्रधानमंत्री जी का एक नाम क्यों लेना, पूरी सत्ता है उनकी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब वही हैं। आज तो कहे हैं कि मैं ही गुजरात हूँ, मैं ही विकास हूँ, कल को कहेंगे कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही रचयिता हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। तो उनके पास देखेगा कि कॉन्फिडेंस जबरदस्त है लेकिन कंटेंट नहीं। अल्टीमेटली बात जो है वो तो कंटेंट पे ही जाएगी ना। हम अगर सारा मसला जो है फॉर्म में ही फंसा करके रख देंगे तो कंटेंट तो मिस हो जाएगा। और सोसाइटी के अंदर आज यही हो रहा है कि समाज में बुनियादी तौर पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। अब देखिए कि मेरे स्कूल में पढ़ने वाले मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार राम मंदिर तो बनना चाहिए। हम बोले हाँ क्यों नहीं बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए, गुरुद्वारा बनना चाहिए। वैसे भी तो हिंदुस्तान जो है दुनिया के सभी धर्मों का पनाहगार रहा है, यहाँ सबको पनाह मिली है, और जो यहाँ आया है वो यहीं का होकर के रह गया है,
यही हिंदुस्तान की खासियत है, बने मंदिर, इसमें क्या दिक्कत है। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं कोई साधारण मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो जो मस्जिद टूटी है वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए और भव्य बनना चाहिए। बोले तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सवाल क्या है? स्कूल में जब थे तो हमको पता था कि तुमको जो है एक लड़की पसंद थी और दिन भर साइकिल को लेकर के तुम उसके पीछे ही रहते थे, बस एक बार पलट के देख ले भैया। तो सबसे बड़ा सवाल उस वक्त तुम्हारे लिए यही था। पिताजी कहते थे गाय को चारा दे दो, तुम साइकिल लेकर के ट्यूशन के बहाने उसके पीछे लगे रहते थे। हो सकता है कि अब तुम्हारा सवाल बदल गया हो, तुम्हारा जो है शादी विवाह होने वाला है, तो आज भी बताओ कि तुम्हारा सबसे बड़ा सवाल क्या है। बोला यार नौकरी नहीं है। हमने कहा कि जब नौकरी नहीं है तो तुम राम को बचाने के फेरा में क्यों पड़े हो गए, खुद को बचा लो। एक जो है रिलीजियसिटी की बात हम लोगों को समझाई जाती थी सोशियोलॉजी में, तो समाज की बात कर रहा हूं कि सब आप किसी रिलीजन को मानिए, आप कैसे बचा सकते हैं भगवान को? आप परम पिता परमेश्वर की रक्षा कैसे करेंगे? Who the hell you are? आप अल्लाह को बचा लेंगे? अरे भाई साहब, आप खुद को बड़ा बता रहे हैं या अल्लाह को छोटा कर रहे हैं? ये समझाइए मुझे। इतनी छोटी सी बात जो है लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या है समाज में, हम चाहते क्या है। और जब इसको आप आगे सोचेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो नफरत की फसल होती है अल्टीमेटली क्या पैदा करेगी। अगर आप बबूल का पेड़ लगा देंगे तो उससे कोई खरबूजा तो निकलने वाला नहीं है, उससे कोई आम का फल तो होगा नहीं, वो तो कांटा ही गिरेगा, उससे लोगों के पैर घायल ही होंगे। नफरत के आधार पर यदि समाज बना दिया जाएगा और उस नफरत को बनाने के लिए, उस नफरत को जस्टिफाई करने के लिए आप इतिहास तक को बदल देंगे। आप इतिहास को बदलने पर ऐसे तुले हुए हैं कि आप चाहते हैं कि सब कुछ का इतिहास बदल दिया जाए। ऐसा संभव है क्या? क्या ये पॉसिबल है? ये कौन से जतन में ये देह हमारी देश की सरकार, इस देश की सत्ता लगी हुई है? और ऐसा नहीं है कि बड़े स्तर पर नहीं, लेकिन शायद इस बात को उठा रहा है, और जो लोग मजबूती तरीके से उठाते हैं उनकी हत्या भी हो रही है। लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर होने की जरूरत है कि लोग बड़े पैमाने पर ये जो बेवकूफाना हरकत है, बुद्धि की बलिहारी जो है, इस पर लोग सवाल खड़ा करें। मैंने कई बार ये बात कहा है। अभी बाबा जी का कांड हुआ था आपके यहाँ, ये पंचकुला के पास, तो वो जो कांड था वो कांड ऐसा लग रहा था जैसे रामायण का सुंदर कांड हो। सारे चैनल पे जो है एक महीना तक इस देश के लिए कोई सवाल नहीं है। गुरमीत राम रहीम और अच्छे दिन दोनों ऐसा था जो मिल ही नहीं रहा था। जनता अपना अच्छा दिन ढूंढ रही है, मीडिया को जो है वो उसको उसको ढूंढ रही थी, हनी प्रीत को ढूंढ रही थी। लगा कि कोई मुद्दा ही नहीं है देश में। और पूरा का पूरा हमने कहा आपको कि जब आप उस स्पेस में नहीं होंगे, और आप उस स्पेस में तभी होंगे जब आप दूसरे के लिए स्पेस छोड़ेंगे। फेसबुक पे सबसे बड़ा विमर्श यही था कि हनीप्रीत कहाँ हो सकती है, मंगल पे होगी, जा ढूंढ ले आओ। यह सवाल था। और वो जब हुआ था, वो जो पूरी पूरी की पूरी प्रक्रिया चल रही थी, तो उस समय आप देखेंगे कि अभी लोगों ने जो है पुलिस पे एक सवाल उठाया। मैं जनरली पुलिस पे सवाल नहीं उठाता, इसलिए नहीं उठाता हूँ कि पुलिस भी तो हमारे आपके बीच का है ना, क्या कर लेगी? आप हम यदि कम्युनल हो गए हैं और कास्टिस्ट हो गए हैं तो पुलिस कैसे नहीं होगी? ये तो सोचने की बात है ना। आप हम यदि अपने स्पेस पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो पुलिस कैसे नहीं करेगी? उसको भी तो अपनी पत्नी के लिए लिपस्टिक खरीद के लाना है, उसको भी तो अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। आपका चोरी जस्टिफाइड है, उसका चोरी जस्टिफाइड नहीं है। और उसमें भी आप क्या करते हैं, आप लोअर स्ट्रेटा के भ्रष्टाचार पे बात करते हैं, अपर स्ट्रेटा का जो भ्रष्टाचार है उस पर कोई सवाल ही नहीं होता है। और मेरे शिक्षक हैं, उनको बार बार समझाते हैं, बेटा भ्रष्टाचार की कोई नीति नहीं होती है, नीतियों में भ्रष्टाचार होता है। ये क्या भ्रष्टाचार है? नौकरी लेने के लिए 15 लाख रुपया जब घूस दिया जाएगा गृह मंत्री को, तो सिग्नल पे खड़ा होकर के वो क्यों नहीं आपसे चलान काटेगा, और चलान का पैसा क्यों नहीं अपने पॉकेट में रख लेगा, मुझे बताइए। तो जस्टिफाइड है ना। बच्चा पैदा नहीं हुआ है कि उसके नस में जो है भ्रष्टाचार डाल दिया गया है। क्या कहा जाता है, सरकारी नौकरी ले लो, क्यों?
क्योंकि कामचोर बनना काम मत करना, और क्या करना, टेबल के ऊपर से भी लेना और टेबल के नीचे से भी लेना। हमारे यहाँ तो दहेज इस बात से तय होता है। अभी हम पीएचडी कर रहे हैं, हमारा कोई रेट ही नहीं होगा। कोई अगर पुलिस में है उसका जबरदस्त रेट है, क्यों? अगर मान लीजिए उसका जो है मिनिमम, वो क्या बोलते हैं उसको, बेसिक सैलरी 5000 है, तो लगभग 1,00,000 कमाएगा। ये है, लोग 5000 से नहीं उसका आंकलन करते हैं, उसको 1,00,000 से उसका आंकलन करते हैं। ये सच्चाई है। तो जिस पे बोल सकते हैं उस पे बोल सकते हैं। यह नाटक बहुत अच्छा किया मैंने देखा कि उसमें कम से कम, पता नहीं उस टोपी को गांधी टोपी लोग क्यों कहते हैं, उन्हें रोज वैसा टोपी लगाते थे। तो कभी भी नेता पे अगर कोई सवाल होगा तो नेहरू टोपी लगा दिया गया। मैं पहली बार देखा हूं कि एक ऐसा नेता है जो भगवा पहना हुआ है। ऐसा नेता आजकल नहीं दिखाया जाता है, बहुत सामान्य से नहीं दिखाया जाता था। और ऐसा नहीं है आप कहेंगे कि ये प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट जो है थिएटर ग्रुप है इसलिए ऐसा दिखाया। मैं गया था इंदौर, इंदौर में इसी तरीके का ग्रुप था, लेकिन वो भी जब नेता बना रहा था तो उसको गांधी टोपी पहना दिया था। अब नेताओं के ऊपर भी देख लीजिए, नेताओं, मैं ये बात, मैं नेताओं को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये मैंने इतिहास से समझा है, ये मैंने साहित्य से समझा है। जब आप मोहन महाभोज पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि रूलिंग क्लास का गठजोड़ क्या होता है। जब आप गोदान पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि रूलिंग क्लास का गठजोड़ क्या होता है। उसी में मैंने पीठ पत्रकारिता शब्द जो है वो पढ़ी थी, वो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है कि पत्रकार जो है कैसे नेता के का जो है इमेज बिल्डिंग करते हैं, और कैसे जो फैक्ट्री का मालिक है और जो एक कवि जी हैं वो साथ में शिकार करने के लिए जाते हैं। ये जो गठजोड़ है वो सत्ता का गठजोड़, हमने साहित्य से ही सीखा है, इसे उस गठजोड़ की सबको समझने की कोशिश कर रहा। अभी जोर जोर से भाजपा बोली कि जो है कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है। हम नहीं जानते इसमें कितनी सच्चाई है, वो काम सीबीआई का है। मेरा बार बार यही सवाल होता है कि जिसका जो काम है उसको वो काम करने दीजिए। संबित पात्रा यदि एमबीबीएस हैं, डॉक्टर हैं, तो उनको इस बात की एक एक्सपर्टीज कहां से आ गई कि गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरा होता है? ये आप कौन सा साइंस का शोध करके आए, ये जरा हमको समझाइए। आप अपने फील्ड में बात कीजिए। आप दूसरे, मैंने कहा आते ही मुझे पता ही नहीं है मैं साहित्य के बारे में क्या बोलूं, मैं साहित्यकार नहीं हूं, लेकिन साहित्य को मैं कितना समझता हूँ, समाज के साथ उसका क्या सरोकार है, राजनीति की पे में उसकी क्या भूमिका है। इतनी बात जो मैं एक सिटीजन होने के नाते समझता हूँ आपसे शेयर कर रहा हूँ। और राजनीति की बात हो रही है, नेता की बात हो रही है। पहली बात तो राजनीति किसी भी सूरत में कैरियर नहीं हो सकता है। राजनीति एक सरोकार है। आप यदि साहित्यकार हैं तो आपका राजनीतिक सरोकार होना चाहिए। आप यदि पत्रकार हैं तो आपका साहित्य, आपका जो है राजनीतिक सरोकार होना चाहिए। आप यदि किसान है तो आपका राजनीतिक सरोकार होना चाहिए। आप यदि रंगकर्मी है तो आपका राजनीतिक सरोकार होना चाहिए। आप पुलिसकर्मी है तो आपका राजनीतिक सरोकार होना चाहिए। यह सरोकार का मसला है, क्योंकि राजनीति समाज से अलग नहीं हो सकता है। और हम उसी समाज में रहते हैं, और मनुष्य होने का अंतिम लक्ष्य यही है कि खुद की मुक्ति और समाज की मुक्ति। हम खुद की मुक्ति और समाज की मुक्ति की यदि बात करते हैं तो अपने प्रोफेशन को ईमानदारी पूर्वक करें, और ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को करते हुए हम सामाजिक और राजनीतिक सरोकार रखें। और उसमें जो है नेता होना भी एक प्रोफेशन नहीं हो सकता है, नेता होना एक जिम्मेवारी हो सकती है, एक दायित्व हो सकता है। घर में मेरी माँ खाना बनाती है, वो एक जिम्मेवारी एक दायित्व है। क्या उस सारी रोटियों में उसका एक अधिकार होता है कि परिवार के सारे लोगों के लिए खाना बनाया जाता है? और सरोकार ही यही होता है कि ये रोटियां सबको परोसी जाएंगी। राजनीति को कैरियर किसने बनाया? राजनीति को कैरियर इस देश की जो पूंजीवादी सत्ता है उसने राजनीति को कैरियर बनाया। और इसीलिए आप देखेंगे कि सारा का सारा ठीकरा जो है वो नेताओं पर डाल दिया जाता है, और ये समझते हैं कि हम बहुत होशियार हैं। होशियार नेता पैदा होना इस देश में बंद हो गए, इसलिए बंद हो गए क्योंकि नेता पैदा नहीं होते हैं, सामाजिक संघर्षों में तैयार होते हैं। नेता पेट से कोई पैदा नहीं होता है। और जब सामाजिक संघर्ष नहीं है, जब साहित्यिक विमर्श नहीं है, जब समाज के अंदर कोई चेतनागत आंदोलन नहीं है, तब नेता कैसे पैदा होगा? एक प्रोफेशन पैदा होगा, एक पद पैदा होगा, जिस पद को ये सत्ता खरीद लेगी और ये बेवकूफ की तरह उसमें फंस जाएंगे। यही सुखराम साहब है ना, पहला दूरसंचार घोटाला हुआ था,
भाजपा बहुत 2G 3G जीजाजी कर रही थी, आज उन्हीं के परिवार को शामिल करा रही है ना। यही रीता बहुगुणा जोशी है ना, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उनके भाई पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, और ये भाजपा क्या क्या नहीं उनके बारे में बोली, आज जो है भाजपा सरकार में मंत्री हैं। यही नारायण राणे साहब है ना महाराष्ट्र के, इन्हीं के ऊपर जो है भ्रष्टाचार का आरोप है, उन्हीं को भाजपा मंत्री बना रही है। आखिर इस पूरे खेल में ये तो कठपुतली है, डोर किसके हाथ में है? वही जो लोग जो इस देश की सत्ता को सही मायने में कंट्रोल करते हैं, अपनी कठपुतली बदल देते हैं, अपना डोर बदल लेते हैं, इस बार चंदा इस नेता को देते हैं, जब इनसे मन भर जाता है तो चंदा उस नेता को देते हैं। पुलिस क्या करेगी? पुलिस, नेता और हमारे जैसे नौजवान विद्यार्थी, हरिशंकर परसाई बहुत अच्छी बात बोले हैं इसमें। हरिशंकर परसाई बोले हैं देश की राजनीति पे, दो उनकी बात मुझे बहुत शानदार लगती है। एक कि हमारी हालत वैसी है कि हमारे पास दो गंदी बनियान है, और उस दो गंदी बनियान को हमको बदल बदल करके पहनना है, क्योंकि हमारे पास तीसरा बनियान नहीं है। तो एक बनियान जब गंदा हो जाता है तो दूसरी जो गंदी टंगी हुई बनियान होती है इसकी तुलना में साफ दिखाई देने लगती है। उसके बाद हम खूंटी से निकाल करके पहन लेते हैं और इसको टांग देते हैं, कुछ देर में फिर ये गंदी दिखाई देने लगती है। इसको कौन बदलेगा? इसको साहित्यकार बदलेगा, इसको आंदोलनकारी बदलेगा, कि उसकी कलम से जितना डर अटल बिहारी वाजपेयी को लगा उतना माननीय मनमोहन सिंह जी को लगेगा, और उतना ही डर तथा कथित 56 इंच के जो साहब हैं उनको भी लगेगा, मोदी जी को लगेगा। ये साहित्य की भूमिका। और हम जो समाज का स्ट्रक्चर है उसके अंदर सत्ता जिस तरीके से ऑपरेट होती है उसमें देखते हैं तो क्या समझ में आता है? बकायदा इन्वेस्टमेंट है भैया। जैसे 15 लाख नौकरी दे करके जो है आप पुलिस की नौकरी ले लीजिए रुपया दे करके, और बाद में जो है पैसा वसूल लीजिए, उसी तरीके से राजनीति में हो रही है। नेता के ऊपर कोई बिजनेसमैन पैसा लगाता है, कहता है भैया 1 करोड़ तुम्हारे चुनाव का खर्चा है, 1 करोड़ हमने तुमको दिया और तुमसे 100 करोड़ कमाएंगे। ये जो पूरा का पूरा एक भ्रम हमारे सामने रचा गया है कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा और हम विश्व शक्तिशाली बनेंगे, हम दोबारा विश्वगुरु बन जाएंगे। विश्वगुरु तुमसे बनेंगे, जो बुद्धि के जो है दुश्मन हो। मैं जो है बाबा रामराइन की बात कर रहा था, जब वो कांड हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री जी ट्विटर पे कह रहे थे हिंसा मत कीजिए, और यहाँ पे इंटरनेट 3 दिन से बंद था। तो ये कैसे विश्वगुरु बनाएंगे? ये हमको विश्वगुरु बनाएंगे, जो हमको ताजमहल जो है वो तेजू महल है कि ताजमहल है इस डिस्कोर्स में फंसाएंगे, वो हमको विश्वगुरु बनाएंगे। वो हमको विश्वगुरु बनाएंगे जो कहते हैं कि मोर जो है मोरनी के आंख में जो है आंसू दे देता है उससे बच्चा पैदा हो जाता है, वो हमको विश्वगुरु बनाएंगे। ये हमको विश्वगुरु कैसे बनाएंगे? ये हमको विश्वगुरु नहीं बना सकते हैं। और रही बात हिंदू धर्म की, तो ये हिंदू धर्म को जानते ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर ठीक से पढ़ लेते ना तो इनको पता चलता कि हिंदू धर्म का डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है। हिंदू धर्म कोई RSS है जो 1925 में बना है? हिंदू धर्म इस देश की विरासत से जुड़ी हुई चीज है, और जैसे हम जवान होते हैं अपने अनुभवों से, एवोल्यूशन के प्रोसेस से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से धर्म भी अपने एवोल्यूशन के प्रोसेस से आगे बढ़ता है। और इस बात को वो लोग भी को भी समझना पड़ेगा जो इस खेल में फंस जाते हैं। मैं इनको धर्म के मसले पे कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ, क्योंकि हमको पता है कि इनको रिस्पॉन्ड करने से क्या फ़ायदा है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि कीचड़ पर ढेला मत फेंको, वो वापस आके वो पड़ेगा। इनसे जो है आप धर्म के अखाड़े में लड़ेंगे तो ये हमेशा जीत जाएंगे। धार्मिक विमर्श यदि कोई हो और उसके दर्शन पे यदि बात हो, तब आपको ये बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी कि यदि लड़ाई साजिशन राम और मोहम्मद के बीच में छेड़ी गई है तो जीत नाथूराम की होगी। इसीलिए इसको यदि आप समझना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि ना भैया, राम और मोहम्मद का तो रहने दो, ये बता दो कि तुम कौन से हिंदू हो। मांस खाने वाले हिंदू हो कि मांस नहीं खाने वाले हिंदू हो? देवी की पूजा करने वाले हिंदू हो कि राम की पूजा करने वाले हिंदू हो?
प्रकृति की पूजा करते हो कि सनातन धर्म में विश्वास करते हो, लौकिक हो कि परलौकिक हो, चार्वाक के दर्शन में बिलीव करते हो, या इस देश के अंदर जो शंकराचार्य जी का बौद्धिक विमर्श रहा है उसके आधार पे तुम हमसे विमर्श करना चाहते हो। इतना डाइवर्स है ये देश कि इनको लगता है कि चीजों को भटका करके ये जो है सत्ता पे काबिज हो गए हैं। ये दंगा एक्सपर्ट है। ये बीजेपी का नाम एक्चुअली जो है ना बीडीपी होना चाहिए, भारतीय दंगा पार्टी, जनता पार्टी नहीं है, जनता से कोई लेना देना नहीं। तो दंगा करके ये चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन इस देश के अंदर जो साहित्य का इतिहास है, इस देश की संस्कृति का जो इतिहास है, इस देश में विविधता में एकता का जो इतिहास है, इस देश के अंदर अपनी मिट्टी पे शहीद होने का, कुर्बानी देने का, बलिदानियों का जो इतिहास है, उसको ये कैसे बदलेंगे? ये भटका सकते हैं मुद्दा। और इसीलिए हमारा जो वो दोस्त है जो स्कूल में पढ़ता है, वो ये बात नहीं समझता है कि उसके लिए सबसे बड़ा सवाल नौकरी का सवाल है, उसके लिए सबसे बड़ा सवाल उसका बच्चा हो सकता है कि बीआरटी हॉस्पिटल गोरखपुर में जाए और बिना ऑक्सीजन के मर जाए। राम की कितने सौ फीट की प्रतिमा है, इससे देश का गौरव नहीं बढ़ता है। राम तो राम को के मानने वाले लोगों के मन में बसते हैं भाई, कण कण में राम बसते हैं। तुम उनको 200 फीट में सीमेंट देना चाहते हो? जो विश्वव्यापी है, जिसने ब्रह्मांड को रचा है, तुम उसको एक मंदिर एक मूर्ति में सीमेंट देना चाहते हो? तुम एक्चुअली धर्म को समझते नहीं हो, धर्म के विरोधी है, और लोगों की संवेदना को खंगाल करके अपना जो है राजनीति का उल्लू सीधा कर लेना चाहता हो। इसीलिए ये जो सत्ता जो नफरत पे आधारित है, ये जो सत्ता जो विभाजन पे आधारित है, इस सत्ता से सीधे तौर पे सामाजिक आंदोलन के रूप में कोई अगर लड़ाई लड़ सकता है तो इस देश के संवेदनशील लोग हैं। उनको साहित्य रचना करनी होगी, और साहित्य रचना का जो आधुनिक माध्यम है उसके ऊपर जाकर के अपनी दबिश को बढ़ानी होगी, अपनी भूमिका को बढ़ानी होगी, और उस स्पेस को उनको ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, वरना लोग भारत माता की जय बोल करके वह माँ बहन की गालियां निकालते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।